Hello students, I am your math teacher. Today we'll discuss about class 10 NCERT lesson introduction to trigonometry. This is part 18 video. In this video we'll discuss about exercise 8.2 question number 2 ka third and fourth dekhenge. Okay, so yahan par dekho third mein kya diya hai, sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to, matlab yahan par dekho a ki value ऐसी कौन सी पुट अप करने से आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाएंगे. यहाँ पर देखो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है. यहाँ पर आपको बता दूंगा कि यहाँ पर देखो अगर साइन ए की जगह आप 0 पुट अप करते हैं तो यहाँ पर देखो साइन 0 इक्वल टू 0 होता है. तो यहाँ पर देखो किस तरह से होगा, यहाँ पर साइन 2 इंटू ए की वैल्यू अगर 0 पुट अप कर रहे हो इज इक्वल टू 2 साइन क्या होगा, ये 0 होगा. अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, ये साइन 2 इंटू 0 क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा, ये 2 साइन 0 हो जाएगा. मीन्स क्या होगा, साइन 0 मीन्स 0 और 2 इंटू साइन 0 मीन्स क्या होगा, 0 हो जाएगा होता है. ओके, साइन 0 मीन्स 0 एंड 2 इंटू साइन 0 मीन्स ऑल्सो 0. तो यहाँ पर देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल मिली है. ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपका ए आएगा, फर्स्ट 0 डिग्री. नाउ अब हम सेकंड देखेंगे. यहाँ पर सेकंड में क्या है, यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री. इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे. अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 tan 30 डिग्री है तो 2 इंटू यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 बाय रूट 3. वैल्यूज पूरे याद होना आपको तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. नाउ यहाँ पर देखो 1 माइनस क्या होगा, tan स्क्वायर 30, मतलब यहाँ पर tan 30 की वैल्यू कितना है, 1 बाय रूट 3 और ये स्क्वायर में हो जाएगा, स्क्वायर में. तो नाउ इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो ये 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, ये रूट 3 होगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो 1 माइनस क्या होगा, ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट 3 स्क्वायर मीन्स क्या होगा, 3 हो जाएगा. नाउ अगेन इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. ये तो वैसे रहेगा रूट 2 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन्स क्या रहेगा 1, सो 1 इंटू 1 1 बाय 1 इंटू 3 3 हो जाएगा. तो आपको आंसर में क्या मिला, ये 2 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 बाय 3 हुआ. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो क्या होगा, ये मतलब सॉरी इसका रेसिप्रोकल कर लो तो ये होगा 2 बाय रूट 3 रहेगा इंटू यहाँ पर 3 ऊपर चले जाएगा और यहाँ पर 2 नीचे रहेगा. अब यहाँ पर देखो ये 2 टू गेट कैंसिल हो जाएगा, 2 टू गेट कैंसिल होने के बाद यहाँ पर आपको मिला क्या, 3 बाय रूट 3 3 बाय रूट 3. अब ये देखो यहाँ पर 3 बाय रूट 3 ऐसी कोई भी वैल्यू है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर अब 3 को एक्सपांड करना होगा. किस तरह से होगा, ये रूट 3 बाय सॉरी रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, यहाँ पर रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है और डिनोमिनेटर में ये रहेगा आपका रूट 3. अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा रूट 3 रूट 3, तो बचा क्या यहाँ पर आपको रूट 3, रूट 3 बचा है. अब रूट 3 किसकी वैल्यू रहती है, यहाँ पर टैन 60 डिग्री की, तो रूट 3 यानी क्या होता है यहाँ पर टैन 60 डिग्री, रूट 3 यानी कितना होता है टैन 60 डिग्री. तो आपको देखना है कि ऑप्शन में टैन 60 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, थर्ड ऑप्शन आएगा टैन 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर रूट 3 है. जस्ट यहाँ पर इस तरह यहाँ पर आंसर आया तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पर 3 रूट 3 है, तो ऐसी कोई भी वैल्यू हमारी टेबल में नहीं है तो इसको एक्सपॉन्ड करना, 3 को हमने एक्सपॉन्ड किया रूट 3 इंटू रूट 3 बाय 3, तो रूट 3 रूट 3 गेट कैंसिल हुआ है तो बचा गया रूट 3, तो रूट 3 की वैल्यू हमें देख करें मतलब रूट 3 ये टेबल में किसकी वैल्यू है टैन 60 डिग्री की, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो टैन 60 डिग्री है मतलब यहाँ पर हमारा ये आंसर आया ऑप्शन सी मतलब थर्ड आया. ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आऊंगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.